हेलो गाइस वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस आज मैं आपके लिए दो इंट्राडे स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल कल यानी कि 11 नवंबर 2021 के दिन अगर वो लेवल पे मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो जब भी एंट्री करोगे तो दो परसेंट का स्टॉप लॉस लेवल रहेगा पहला टारगेट रहेगा वो छः का रहेगा दूसरा टारगेट रहेगा वो बारह का रहेगा तो उससे पहले गाइज़ आपको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आज आप देख सकते हो अपना वीडियो बनाने का टाइम अभी देख सकते हो सर दस बज करीब दस बज रहे हैं अभी और मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था घर पे थोड़े मेहमान आए हैं यानी दिवाली वैकेशन करने मेरा भांजा और भांजी आए तो उनको घुमाने लेके गया था तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया और कल भी बाहर जा रहा हो तो कल भी शायद लेट हो सकता है या तो मे भी कल वीडियो ना भी आ सकेगा अभी से प्रॉमिस नहीं कर सकता जैसा भी होगा कल उसके रिगार्डिंग में कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको तो अभी दो स्टॉक बताओ उससे पहले एक्सेल सीट पे देख लेते हैं अपने आठ तारीख को एक आर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था और आपको कल वीडियो में बोला था मैन इंफ्रा गलती से मैंने डाल दिया था अगर वो रखते तो उसमें भी अपना बारह परसेंट जितना प्रॉफिट आ सकता था लेकिन अपने जेन्यनली ट्रेड करना चाहते इसलिए वो उसको मैंने डिलीट कर दिया मैन इंफ्रा को अगर वो रखते तो वो उसमें भी अपना अच्छा प्रॉफिट आ रहा था लेकिन कोई बात नहीं वो अपने वैलड सेटअप में नहीं आ रहा था इसलिए उसको मैंने डिलीट मार दिया उसके बाद आप देखोगे नौ तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं आया बाइंग लेवल के ऊपर गया नहीं था और दस तारीख को भी मैंने जो तीन ट्रेड दिए थे आपको कल दस तारीख का वीडियो देखोगे एक शेयर इंडिया था टी था और सेंचुरी प्लाय था <coughs> तो तीनों में बाइंग प्राइस के ऊपर गए नहीं आज दस तारीख को इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं किया आप देख सकते हो अपना लास्ट अपडेट है फोर्टी फोर नंबर का ट्रेड है तो अभी मैं दो ट्रेड बताने जा रहा हूँ अगर कल दोनों ट्रेड में से कोई भी एक्टिव होगा तो मैं यहाँ पे एक्सेल सेट के ऊपर डाल दूंगा तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए दो चार्ट मैं बताने जा रहा हूँ और सॉरी गाइज अभी लेट हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा गाई गाई में बता रहा तो पहले स्टॉक का नाम है अपना सेंचुरी प्लाय सेंचुरी प्लाई में अपने बाय करने का रीज़न क्या है जो लोग नए जुड़े उनको फिर से बता दूँ डेली चार्ट के ऊपर आर एस पचास की वैल्यू ध्यान से सुनना गाइज़ आर एस पचास की आर एस की वैल्यू सेवनटी के ऊपर होनी चाहिए तो आप देख सकते हो सेवनटी के ऊपर है आढ़ाई से पचास की वैल्यू और रेड कैंडल बननी चाहिए आपको पता ही होगा कल भी बोला था सेंचुरी प्लाय अपने इसके ऊपर बाई कर सकते हैं रेड कैंडल बनी हुई थी लेकिन उसके ऊपर गया नहीं तो अभी फिर से रेड कैंडल आर भी बनी है तो अपने इसको बाई करने का ट्राई करेंगे रेड कैंडल के हाई के ऊपर यानी आज का जो हाई है दस तारीख़ का उसके ऊपर अपने इसको बाई करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना हाई इसका दिखा रहा है सिक्स वो चार्ट दिखा रहा है लेकिन उसका हाई आप देखोगे यहाँ पे एक मिनट का इस यहाँ पर आज देखोगे तो कितना है सिक्स फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन्टी है तो दस पैसा बफर लगा के अपने स्टॉक को बाय करने का ट्राई करेंगे यानी अपना बाइंग प्राइस कितना आ गया छः सौ पचपन आ गया तो अपने छः सौ पचपन पे स्टॉक को बाय करेंगे और जो लोग नए जुड़े उनके फिर से बता दो अपना रूल्स क्या रहेगा ये समझो बाइंग प्राइज़ है तो नौ सात या नौ आठ को आपको देखना है कि बाइंग प्राइज के नीचे स्टॉक ओपन होना चाहिए ओपन प्राइज़ जो होगी नौ आठ को आपको पता चल जाएगा कोई भी स्टॉक की ओपन प्राइस क्या है तो उसके ऊपर उसके नीचे होना चाहिए उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए तभी वैलिड सेटअप होगा अगर उसके ऊपर ही ओपन होता है समझो बाइंग प्राइस अपना छः सौ पचपन है और स्टॉक्स छः सौ छप्पन पर ओपन हुआ या तो छः सौ पचपन पॉइंट दस पे भी ओपन हुआ तो अपना वो इनवेलिड सेटअप में काउंट करेंगे तो इसके नीचे ओपन होना चाहिए फिर पूरे दिन में कभी भी ब्रेकआउट देना चाहिए तो अभी अपना वैलिड सेटअप होगा दो परसेंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे पहला क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे छः परसेंट पर और दूसरे हाफ क्वान्टिटी बुक करेंगे बारह परसेंट पर दोनों का एवरेज आएगा अपना नौ परसेंट का तो ये अपना रोड शो हो गया जो लोग नए जुड़े उनके लिए तो अपनी सेंचुरी प्लाई का बाइंग प्राइस आ गया छः सौ पचपन और प्लस छः परसेंट पहला टारगेट आएगा वो छः परसेंट का आएगा यानी छः सौ चौरानवे पॉइंट तीन का पहला टारगेट आएगा दूसरा टारगेट आएगा वो बारह परसेंट का आएगा यानी सात सौ तैंतीस पॉइंट छः का आएगा वो दूसरा टारगेट आएगा तो दो टारगेट अपने को पता चल गए जब भी स्टॉक एक्टिव होगा तो अपने क्या करेंगे दो परसेंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे छः सौ इकतालीस पॉइंट नब्बे का आएगा वो स्टॉप लॉस लेवल आएगा तो ये पहला स्टॉक हो गया है, सेंचुरी प्लाई अभी दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैन इंफ्रा फिर से अपने इसको बाय करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे देखो मैंने गलती से डाल दिया था और स्टॉक ने अच्छे से रैली भी दिया लेकिन वो अपना इन वेलिड सेटअप की वजह से अपने काउंट नहीं कर रहे तो फिर से अपने देखो डेली चार्ट के ऊपर आर एस है पचास की वैल्यू सेवनटी के ऊपर और रेड कैंडल बनी हुई है <coughs> तो क्या करेंगे रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करेंगे तो इसका हाई कितना है एक सौ पिस्तालीस पॉइंट नब्बे है तो अपने दस पैसा बफर लगाएंगे यानी क्या प्राइज़ आएगा वन फोर्टी सिक्स एक सौ छतालीस अपना बाइंग प्राइज आया स्टॉक उसके नीचे ओपन होता है तो पहला टारगेट अपना कौन सा आएगा एक सौ चौप्पन पॉइंट पचहत्तर छः परसेंट का पहला टारगेट आएगा दूसरा टारगेट आएगा वो बारह परसेंट का आएगा एक सौ तिरसठ पॉइंट पचास का आएगा वो दूसरा टारगेट आएगा और जब भी स्टॉक एक्टिव होगा तो अपने क्या करेंगे दो परसेंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे यानी वन फोर्टी थ्री अपना क्या हो गया स्टॉप लॉस लेवल हो गया तो गाइज मैंने आपको दो स्टॉक बताए जो आप ग्यारह तारीख को अच्छे से अगर वो लेवल पर मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो और जो भी स्टॉप लॉस लेवल और टारगेट का लेवल है आप उसको फॉलो कर सकते हो तो पहले स्टॉक का नाम है सेंचुरी प्ला और दूसरा स्टॉक है मैन इन्प्रा दोनों में ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो गाइज़ और गाइज आज के लिए इतना ही आप देख सकते हो टाइम अपना कितना हुआ है दस बज के यहाँ पे देखोगे दस बज के चार मिनट हो रहा है तो अभी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कल मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ अगर टाइम मिला तो कल भी बाहर जाना है तो उसकी वजह से बिज़ी रह सकता अभी से प्रॉमिस नहीं कर सकता जैसा भी आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा तो गाइस जो लोग नए जुड़े तो प्लीज़ टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो करो उसमें जो भी मैं अपडेट होता है उस पर डाल देता हूँ तो आपको अपडेट मिलता रहेगा उस पर आज के लिए इतना ही था गाइस थैंक यू वेरी मच कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना थैंक यू बाय टेक केयर